हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त ईश्वर पंचार्या पीएल स्किल फॉर बिगिनर्स की इस नई सीरीज में सबके बार वेलकम करता हूँ। अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो सबसे पहले एक काम करें, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और रिंग बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कॉन्स्टेंट किस हिसाब से पीएल स्किल में हम लोग कॉन्स्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम ब्लॉक में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हमने देखा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के पहले पार्ट की, जो है कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर, मतलब कि इफ स्टेटमेंट्स, राइट। अगर आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो आपको पता है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। हम लोग यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि पीएल एसक्यूएल में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कैसे यूज़ होते हैं, उसका लिखने का पैटर्न क्या है, मतलब इसका सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, हर इफ के पैटर्न्स भी देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएल एसक्यूएल में इफ तीन टाइप से यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इफ देन, जिसको सी या सी प्लस प्लस की लैंग्वेज में सिंपल इफ बोलते हैं, देन है इफ देन एल्स, और उसके बाद में है इफ देन एल्स इफ, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है इफ देन, ये जनरली एक विदाउट एल्स ब्लॉक रहता है। ये इसमें हमेशा कंडीशन ट्रू पर ही काम होता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ही इफ ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है देन एंड देन ये ब्लॉक टोटली टर्मिनेट हो जाएगा और बाद में आगे का जो भी प्रोसेस है प्रोग्राम का वो एग्जीक्यूट होगा। सो हमको इसका पैटर्न देखना है। तो पैटर्न ऐसा है कि इफ राउंड पैरेंथेसिस में कंडीशन लिखनी है। अब कंडीशन जनरली जो होती है वो यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू कंपैरिजन चेक करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, या फिर और भी कोई कंडीशन अगर हमको चाहिए तो वो यहाँ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में यूज़ करने हमको देन ये कीवर्ड है, और बाद में हमको इस पर्टिकुलर कंडीशन पर होने वाली चीज पर हमको आगे स्केल स्टेटमेंट्स या फिर कोई एक्सप्रेशंस लिखने हैं तो वो हम यहाँ लिख सकते हैं। और ध्यान रखें कि जब भी हम लोग इस ब्लॉक को एंड करें तो हमको लिखना है एंड इफ। सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में जनरली हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते थे, बट यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस जैसा कुछ नहीं यूज़ होता है। विजुअल बेसिक या फिर वीबी डॉट नेट अगर आपको पता है तो उसमें आप लोग देख सकते हो कि इफ़ का जो पैटर्न है वो सेम है। तो वही पैटर्न हमको यहाँ पे फॉलो करना है, इफ देन और बाद में ब्रैकेट ना देखते हुए इसको ब्लॉक को एंड करना है तो एंड इफ। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक दिख रहा है आपको कि इफ पैरेंथेसिस में सैलरी ग्रेटर देन 1000, देन मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है कि सैलरी को इंक्रीमेंट करो 2000 से, और एंड इफ मतलब अगर कोई एम्प्लॉय की सैलरी ग्रेटर है 1000 से तो उनकी सैलरी 2000 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, राइट। तो ये था हमारा सिंपल इफ। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे इफ देन एल्स। इफ देन एल्स में दो कंडीशंस पे काम चलता है, लाइक ट्रू है तो फिर क्या होना चाहिए और फॉल्स है तो फिर क्या होना चाहिए। अगर ट्रू कंडीशन वाला जो पार्ट है वो ट्रू होता है तो जो इफ पार्ट है उसमें की जो भी एक्सप्रेशन है एसक्यूएल स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो गए, बट अगर कंडीशन फॉल्स होती है एट द टाइम एल्स पार्ट में जो भी हम लोग फंक्शनैलिटी लिखते हैं या फिर कोई क्वेरी लिखते हैं तो वो वाला पार्ट वहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। और इस वे में हम लोग इफ देन एल्स पर काम करते हैं, ठीक है। और अब हम लोग बात करेंगे हमारे इफ देन एल्स। जब हम लोगों को किसी पर्टिकुलर कंडीशन में दो से ज़्यादा कंडीशंस पर कुछ काम करते हुए जाना पड़ता है एट दैट टाइम हम लोगों के पास इफ देन एल्स इफ की ये कंडीशन है यहाँ पर है। सी और सी प्लस प्लस में नेस्टेड इफ आप लोगों ने पढ़ा होगा, या फिर आपको अगर नहीं पता होगा तो आप प्लीज़ पहले वो देख ले जिससे आपको समझने में तकलीफ जाएगी, या फिर अगर आपको सी का लैंग्वेज का जो नॉलेज है वो नहीं है तो भी चलेगा, मैं यहाँ पर आपका वो पूरा डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगा। सो इफ पहली कंडीशन हमको देनी है, उसके बाद में एक जो भी हमको क्वेरी लिखनी है वो लिख सकते हैं। उसके बाद जब हम लोग एल्स लिखते थे तो एल्स ना लिखते हुए एल्स इफ लिखना है। ध्यान रखो दोस्तों यहाँ पर एल्स इफ जो है उसकी स्पेलिंग पर हमको ध्यान देते हुए जाना है। एल्स की स्पेलिंग में ई एल एस ई होता है, तो यहाँ पर एल्स इफ में हमने ई नहीं लिखना है। जनरली बहुत सारे लोग जो होते हैं जो बिगिनर्स होते हैं वो यहाँ ये गलती करते हैं और सिंटैक्स एरर मिलता है। तो एल्स इफ, उसके बाद में सेकंड कंडीशन, देन
उसके बाद में फिर से स्टेटमेंट्स कुछ लिखने हैं तो फिर नेक्स्ट एल्स इफ। तो ऐसे करते करते हम जितने चाहें एल्स इफ की कंडीशन ऐड कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम लोग हमारा ब्लॉक कंटिन्यू कर सकते हैं। और एट द एंड जब हम लोगों का सब काम हो चुका है तो उसके बाद में हम लोग एल्स पार्ट लिखेंगे। एल्स पार्ट में हमको कोई क्वेरीज लिखनी है, कोई एक्सप्रेशंस लिखने हैं, कोई फंक्शंस करने हैं, प्रोसीजर्स यूज़ करने हैं, तो उस टाइम पर एल्स ब्लॉक एंड देन फाइनली इफ ब्लॉक को एंड करने का काम आता है, तो एंड इफ एंड देन सेमीकोलन। तो ये बेसिक सिंटैक्स है जो हम लोग PL SQL में या फिर PL SQL हम जिसको बोलते हैं उसमें यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए मैं इसको आपको प्रैक्टिकल वे में थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके बताऊंगा कि ये कैसे रिजल्ट्स देता है। तो हम हमारा कंपाइलर ऑन कर लेंगे। सो ये हमारा कंपाइलर, सबसे पहले हम लोग इफ़ सिंपल इफ जो है इस पर काम करेंगे। सो डिक्लेयर राइट, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ सो सेल नाम का। ओके, इसका डेटा टाइप ले लेंगे हम लोग नंबर, और इसकी जो है एक काम करेंगे हम लोग, सबसे पहले सर्वर आउटपुट हम लोग ऑन कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने सर्वर आउटपुट ऑन नहीं किया है तो इसका हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सेट सर्वर आउटपुट मोड ऑन, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो डिक्लेयर, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ सेल नाम का, जिसका डेटा टाइप ले लेंगे हम लोग नंबर, इसका साइज ले लेंगे हम लोग 5 का, कोलन इक्वल्स टू, और इसकी वैल्यू हम लोग कुछ तो भी बना लेंगे 5000। राइट, अब हम लोग बिगिन पार्ट में जाएंगे। बिगिन पार्ट में जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इफ ब्लॉक लिखेंगे कि इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 2500 देन, उसके बाद में क्या करना है हमको, सैलरी को इंक्रीमेंट करना है 500 से। राइट, और इसी चीज को हम लोग प्रिंट करेंगे कि dbms_output.putLine अपडेटेड सैलरी, सॉरी सिंगल कोटेशन, सो अपडेटेड सैलरी इज कोटेशन क्लोज, उसके बाद में पाइप सिंबल, वेरिएबल का नाम सेल, देन हम लोग लिखेंगे एंड इफ, फिर एंड एंड स्लैश। अभी हमने क्या कंडीशन लिखी है कि अगर सैलरी ग्रेटर देन 2500 है और हमने सैलरी डिफाइन की है 5000, ये कंडीशन ट्रू होगी हमको दिख रहा है। जैसी कंडीशन ट्रू हुई तो ये एक्सप्रेशन जो है ये एग्जीक्यूट होगा, और ये सारी चीज़ें होने के बाद में उस चीज़ को हम लोग प्रिंट करेंगे। सो हम लोग एंटर करेंगे, यहाँ पर हमने मिस कर दिया, कोलन लिखना था, हमने कोलन मिस कर दिया। यही जो बेसिक चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम बिगिनर लेवल पर रहते हैं तो ये सारी गलतियाँ करते हुए जाते हैं, तो मैं ये इंटेंशनली यहाँ पर बता रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि हमको क्या चीज़ों पर ध्यान रखते जाना है। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें रहती है लेकिन हम वो मिस करते हुए जाते हैं। तो यहाँ हमने कोलन लिखना है और उसके बाद में हम लोग ये जो DBMS आउटपुट वाला पार्ट है वो लिखेंगे। मैं यहाँ पर अप और डाउन एरोज यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कंसोल में हम लोग, तो जितना भी हमने पार्ट पहले लिखा था वो सारा का सारा फिर से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं एंड देन एंटर। तो आप देख सकते हो कि सैलरी 5000 से ज़्यादा थी इसीलिए 500 से इंक्रीमेंट करना था, तो यहाँ अपडेटेड सैलरी जो है वो है हमारी 5500। PL SQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो इस वे में सिंपल इफ वर्क करता है अगर ट्रू होती है तो, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो हम लोग टेस्ट कर लेंगे 5000, मैं यहाँ ले लेता हूँ कि सैलरी लेस देन अगर है तो ठीक है, और सैलरी को इंक्रीमेंट करो, प्रिंट करो एंड, तो यहाँ हमको सिंपली मिल रहा है PL SQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड, कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। राइट, तो इस वे में वो कंडीशन ट्रू होती है तो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और नहीं होती है तो वो ब्लॉक टर्मिनेट हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे इफ देन एल्स, इफ देन की, ठीक है, इफ देन एल्स की। सो डिक्लेयर, मैं फिर से एक सैलरी नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, सो सैलरी 5
और इसकी वैल्यू हम ले लेंगे 5000 अगेन। ओके मैं बिगिन पार्ट में जाता हूँ। बिगिन पार्ट में हम लोग लिखेंगे कि इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 2000 देन हम लोग प्रिंट करेंगे dbms underscore output dot put line। सो यहाँ लिखेंगे हम लोग ओरिजिनल सैलरी इज कोटेशन पाइप सिंबल और सैलरी, और अगर सैलरी से बड़ी नहीं है तो क्या होगा, तो ये हम लोग प्रिंट करेंगे dbms output dot put line और यहाँ लिखेंगे सैलरी इज लेस देन 2000। ठीक है, इसको हम लोग एंड कर लेंगे। सो एंड इफ ब्लॉक को एंड करना है स्लैश। सो यहाँ दिख रहा है कि पहला पार्ट अगर ट्रू होता है तो फर्स्ट वाला जो है इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, लेकिन अगर हमारा ये पार्ट फॉल्स होता है सो देन एंड देन हमको ये रिजल्ट मिलता था। ठीक है, तो इस वे में हम लोग ये पार्ट कर सकते हैं। सो ऐसे हम लोग हमारा इफ पार्ट जो है वो इस PLS स्केल में यूज कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये इफ स्टेटमेंट्स का जो वीडियो है ये समझ में आया होगा। सो प्लीज 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 लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, एंड रिंग बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें। सो गुड बाय गाइज़।